और राजस्थान के चुनाव में प्रचार से रायपुर लौटे सीएम भूपेश बघेल ने तीन राज्यों में सरकार बनाने का दावा कर दिया है। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए कोई संभावना नहीं है, बीजेपी की संख्या गिनती के लिए रह जाएगी। अभी जितने लोगों से बात हुई उसमें सरकार बनेगी कांग्रेस की, ये तो दिख रहा है। मध्य प्रदेश भी, अब छत्तीसगढ़ तो बनेगा ही, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी सरकार। सर, अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि महादेव एप्लीकेशन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र तो था ही पहले ही, तो वो तो खुल भी गया। ये तो किसी भी मुख्यमंत्री को, विपक्षी मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए सारे षड्यंत्र किए जा रहे हैं। मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कि जब से ईडी आईटी आया है वो सब वो षड्यंत्र ही करके सरकार को बदनाम करने, मुझे बदनाम करने की लगातार लोग कोशिश किए, लेकिन वो असफल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भले ही विधानसभा चुनाव का रण बीत चुका है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के बीच सियासी संग्राम जारी है। इस बार सूबे के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने ऐसा बयान दे दिया है जिस